नमस्कार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात दोनों रणनीतिक साझेदार हैं। 2 जनवरी 2024 यानी मंगलवार से डिजर्ट साइक्लोन नाम से दोनों देश एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। यह भारत और यूएई के रिश्तों में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलेगा। सैन्य अभ्यास राजस्थान में होने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का मकसद है कि शहरी क्षेत्र में होने वाले ऑपरेशन में दोनों देशों की सेनाएं दक्षता हासिल करें। सैन्य अभ्यास के दौरान भारत और यूएई दोनों देश की सेनाएं अपनी बेहतरीन सीख और समक्ष को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। वहीं राजस्थान का थार का इलाका इस संयुक्त अभ्यास के लिए चुना गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साल 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। बता दें साल 1972 ही था जब दिल्ली में यूएई ने अपना दूतावास खोला, जबकि अगले ही साल भारत सरकार ने अबू धाबी में अपना दूतावास खोला है। इस तरह भारत और यूएई ने संबंधों की एक नई लकीर खींचने का प्रयास किया। यहां उसके बाद से लगातार पिछले 50 वर्षों से अनवरत जारी है। भारत और यूएई के बीच रिश्ते महज रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दोनों देश व्यापारिक तौर पर भी लगातार अपनी साझेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में भारत और यूएई के बीच एक ऐतिहासिक जायद तलवार नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। इसमें भारतीय सेना की ओर से नेवी के 2 जहाज INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकांड ने अपनी भागीदारी निभाई थी।